आर्थिक संकट, महंगाई का कोहराम, रोटी के लिए जंग और सियासी भूचाल के बीच पाकिस्तान की लगातार गिरती जीडीपी और इतिहास में पहली बार पाकिस्तान रुपया डॉलर के मुकाबले 300 के स्तर पर, ये इंडिकेट यानी इस बात की ओर इशारा करता है कि हालत वाकई में बद से बदतर है। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 301, तो दूसरी तरफ इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने पाकिस्तानी करेंसी वैल्यू 299 बताई है। पाकिस्तान का सरकारी खजाना खाली हो चुका है और देश कर्ज के बोझ के तले दबा नजर आ रहा है और कुछ रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की चेतावनी दे डाली है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व घटते घटते 4.5 डॉलर रह गया है। इतने अमाउंट में सिर्फ एक महीने तक इम्पोर्ट कर पाना पॉसिबल है। एक तरफ कैश क्रंच यानी नकद संकट, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में इस वक्त घमासान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया है। देश भर में इन्फ्लेशन हर रोज एक नए मकाम पर पहुंच रहा है। अप्रैल के महीने में ये 36.4% पहुंच गई और पूरे एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। लेकिन कितनी हो सकती है महंगाई, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किलो चिकन जहां 279 रुपए का था, अब उसकी कीमत 437 रुपए है। 20 किलो आटे की कीमत 2683 रुपए, 1 लीटर दूध की कीमत 168 रुपए, 1 दर्जन अंडे की कीमत 275 रुपए, 1 दर्जन केले की कीमत 241 रुपए, 1 किलो आलू की कीमत 78 रुपए, 1 लीटर डीजल की कीमत 289 रुपए और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 283 रुपए है। उम्मीद है ये आंकड़े सुनकर आपकी जेब कांप गई होगी।